और रात लाले के साथ हम नहीं, लाले के साथ शेखर था। रात हम शेखर और ललिया के कमरा में जाने का मौका ढूंढ रहे थे और तभी शेखर बाहर मोमबत्ती लेने आया। शेखर बाहर कमरा में वापस आ गया था। थोड़ी देर बाद हम कमरा में गए, शेखर को उठवाए और बाहर डलवा दिए। वापस जाके लाली के बगल में लेट गए। यह इंतजार में थे कि हम दोनों को साथ है साथ कोई देख ले। हम बस वो एगो गवाह चाहते थे ये बोलने के लिए कि लाली का पेट में जौन बारिश है वो हमरा है। सुबह हमरी माँ ही हुआ आई, हम दोनों को साथे साथ देखी और हमरा प्लान कामयाब हो गया। जब आपको पूरी दुनिया में कोनो सबूत नहीं मिला तो आपने लोहा सिंह का ही कांधा इस्तेमाल करके दोषी के मुंह से सच उगलवा दिया। आहा, हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है ठाकुर, बाकी देखे वाला हर चीज सच नहीं होता।
कब तक गामे है देखना। बाकी सच झूठ का फैसला तो दिल और दिमाग का होता है। खाली एक ही चीज पर भरोसा करने का कब मत। एक गरीब की लड़की को पैसा देकर खरीद के लाना अलग बात, बाकी ओकरे इज्जत के साथ खेलना, ऊपर गंदा इल्जाम लगाना अलग बात है। अरे दुनिया का सब लोग ना औरत के ये कोख से पैदा होता है, इसलिए सब औरत का इज्जत एक बराबर। चाहे वो आपकी माई हो, बहन हो, बीवी हो, चाहे कोई ना गांव के नन को मुझसे की बेटे ला लिया हो। ऊपर वाला धरती पर सबको एक जैसा बनाकर भेजता है, लेकिन इसे आपका समझे के ऊपर से नीचे पाप में सनाए हुए हैं। आपको तो आप करने में भी लाज लगता है, आपसे बात करने का मन नहीं पर थूकने का मन करता है। खुश कर दिया नौ की दुल्हन। ऐसा भी कुछ पक्का तो नहीं कहा जा सकता ना ठाकुर साहब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि। लेकिन हम जानते हैं कि सच्चाई बहुत जल्दी सामने आएगी और हमको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। और अब हमारा सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है, बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। बोल बम पंडित जी, बहुत अच्छा काम किया आपने भाई, कचरा का हद्दार हो गया। ये ले बंसुर, अपना मिठाई से ठाई ला, सबका मुंह मीठा करो। अरे जुग जुग जी हे सुललनवा, भवनवा के भाग जागिल हो, ललना लाल हुई कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागिल हो।
ये सब का तुमको शांति से रहने में तकलीफ होती है? आज तक आप हमको चूड़ी की दुकान कहकर हमारा जितना अपमान किया ना, वो सब सुनने के बाद शांति से रहने में हमको तकलीफ होती है। लेकिन कमाल की बात ये है कि जौन आदमी आज तक हमको चूड़ी की दुकान कहकर अपमान कर रहा था ना, आज वो खुद ही चूड़ी की दुकान बनकर अपना सब कुछ हार। हम तो कभी सोचे नहीं थे कि किस्मत हमको ई दिन भी दिखाएगी। हमार और हमार रिद्धि सिद्धि की जिंदगी से खेलने वाला अपना सब कुछ हार गया। और तो और बेचारा अब तो खेल से भी बाहर हो गया। और हार भी किससे? एक नीच जात की दासी से, जिसको खरीद कर भी खुद ही लाए थे। ढोल की तरह मार टंटना रहे थे। लेकिन क्या हुआ, ढोल फट गया। अरे फटा तो फटा, लेकिन ढोल के भीतर की जगह भी सबको दिखाई दी। ठाकुर साहब, अब चाहे जितना ही फटे हुए ढोल को पीट लीजिए, टंटनाहट नहीं हो। चुप। काहे चुप? इतना दिन से आप हमारी इतनी बेइज्जती किए, अब तो जाकर हमारी बारी आई है। हम कह रहे कि ये सब सुनने की आदत आप डाल लीजिए। वो काहे कि अभी गांव वाले भी तो ताना मारेंगे, तो कहा उनकी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। अरे कहाँ मर गए सबके सब, गेट बाहर खोलो रे। कहाँ ससुराल? अरे कहाँ खिंची आ रही है? गलती हो गई रणबिजय ठाकुर, ये हमारे हंसने का कोनो गलत मतलब नहीं था। वो बित्ती भर की चिड़ैया और आप हैतने कितना हंस रही थी ना आप पे, कितना लंबा लंबा प्रवचन दे रही थी, थूके भी तो थी। हमारे तो भेजे में ही समझ में नहीं आता कि इतना सब आप किए सहे एगो बारिश के खाते। बहुत बड़ा चानस खो दिया। आपको पता था ना कि जमुनिया हमेशा आपकी थी, तो ऊंच रही में ऐसा कौन सा नशा था कि वो करा में मुंह मारने लगे सत्यानाश? गोटी सही बैठी होती तो हम हंस रहे होते। बाकी नहीं ना सही से बैठी गोटी। तो तोहरे कहने का मतलब है कि रणविजय ठाकुर का खेला खत्म? अरे खेला खत्म है आपके दुश्मन का। बाकी आप तो अच्छे से जानते हैं कि किस पर हाथ रखना चाहिए और किस पर नहीं। अब बाकी कुछ चीज की जरूरत है तो हम मदद करें। बहुत आग सी लग रही है ना दिल में, दर्द लीजिए, फूकिए फूकिए। देख भगवान जी ने हमारी बिनती सुन ली। देखना कैसे कुकुर की तरह तुम मिलाते तेरे आसपास आएंगे उड़न विजय ठाकुर।
और अगर हमें ही उनको अपने पास नहीं आने दिए तो सत्यानाश का बोली लाली, आज हमारा प्रेम एक और बहुत बड़ी विपदा पार कर गया है। खाली तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा विश्वास की वजह से। हमारी कैसे हिम्मत और विश्वास छोटे ठाकुर? हमरे लिए तो सब कुछ आप ही है, हिम्मत भी और विश्वास भी। लाली, आज एक वचन देते हैं तुमको, अब चाहे जो हो जाए, हमरे तुम्हारे प्रेम के बीच अब कोई नहीं आएगा। दुख विपदा आएगी भी तो तुम्हारे साथे पार कर जाएंगे छुपे छाप। तहसीलदार सिंह, गोरा सिंह, बदलू सिंह, अमेरिका सिंह, जापान सिंह, काचवनी अठन्नी जैसा नाम सुझा रहा है। घुटना में अक्कल है का? अरे नाम होना चाहिए कम से कम लोहा सिंह, इसे कहते हैं नाम। तो अयोध्या सिंह भी हमें पसंद नहीं है, ठीक है, हमारे बाबूजी हैं तो ठीक है, वरना लोहा सिंह का बाप का नाम कम से कम तलवार सिंह तो होना चाहिए कि नहीं? काम के नकाज के दुश्मन अनाज का। सुन, हम वो आदमी को इनाम देंगे जो सबसे बढ़िया नाम बताएगा, ऐसा नाम जो हमरे खानदान को फपता हो। अरे बबुआ के मैया, अरे घर में होने वाला पोता का नाम वाम सोचे कि नहीं? ये कहां एक्सप्रेस ट्रेन तरह भागी जा रही है, अभी हाथ में कौन चीज सफर कर रही है? हमरे हिसाब से बड़े ठाकुर, बड़ी ठकरा इनके हाथ में वो बक्सा है जिसमें वो कुल का गहना गुड़िया रखती हैं।